नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? रुक जाओ, मैं ये नहीं होने दूंगा। लेडी वुल्फ यहाँ पर शादी करने वाली है। लेडी वुल्फ, रुक जाओ, मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। अरे वुल्फ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तो बोला था तुम मेरे से शादी करोगी, ये तुमने क्या कर दिया? अबे ये तू क्या बोल रहा है? लेडी वुल्फ तेरे से शादी करेगी? लेडी वुल्फ सिर्फ मेरे से शादी करेगी, और तू तो वुल्फ लगता भी नहीं है, इतना ज्यादा मोटा भद्दा और कमजोर। अरे तू चुप रह, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। लेडी वुल्फ तुम मुझसे शादी कर लो, प्लीज प्लीज। अरे वुल्फ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम देख सकते हो ये डॉगी कितना ज्यादा अच्छा है, ये बहुत ही पावरफुल है और इसकी बॉडी भी बहुत खतरनाक है। पर तुम अपने आप को देखो, तुम तो बहुत ही ज्यादा मोटे हो, तुम तो वुल्फ भी नहीं लगते। तुम कितना ज्यादा खाना खाते हो? मेरी बात सुनो लेडी वुल्फ, मैं बर्गर डोसा छोले भटूरे सबका सब खाने बंद कर दूंगा, बस तुम से शादी कर लो। अबे तुझे समझ नहीं आता क्या? लेडी वुल्फ तेरे से शादी नहीं करेगी, मोटे निकल यहाँ से। तुम बस मेरे से इसलिए शादी नहीं कर रही क्योंकि मैं मोटा हूँ, पर अगर मैं इस डॉगी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मस्कुलर और खतरनाक बन जाऊँ तो क्या तुम मेरे से शादी करोगी? हाँ वुल्फ, अगर तुम दुनिया के सबसे खतरनाक वुल्फ बन जाते हो तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। तो फिर रुक जाओ, मैं अभी के अभी जाता हूँ और दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनकर लाता हूँ। वुल्फ, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, मैं तुम्हें टोटल 20 मिनट देती हूँ। 20 मिनट में तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनना पड़ेगा, और अगर तुम बन गए तो मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या सिर्फ 20 मिनट? ये तो बहुत ही कम टाइम है, पर कोई बात नहीं, मैं कर रहूंगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो लेडी वुल्फ ने मुझे यहाँ पर 20 मिनट दे दिए दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनने के लिए, और अभी मैं सही में बहुत ही ज्यादा मोटा वुल्फ हूँ। मैंने सोच लिया है मैं कैसे भी करके दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बन कर रहूंगा। मैं यहाँ पर पुशअप्स कर रहा हूँ पर ऐसा लग रहा है मैं जमीन खा रहा हूँ, पर मैं जमीन नहीं खा रहा। मैं यहाँ पर पुशअप्स करके दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बन कर रहूंगा। और बच्चे चड्डी की कसम, तू कभी भी पुशअप्स करके दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ नहीं बन पाएगा। क्या, क्यों? अरे अंकल, मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनना है। बच्चे चड्डी की कसम, अगर तुझे दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनना है तो तुझे चाहिए होगा बनाना शेक। क्या, बनाना शेक? हाँ, इस बनाना शेक को पीने से तू अपग्रेड हो सकता है एक खतरनाक वुल्फ में। अरे तो अंकल फिर मुझे जल्दी से ये बनाना शेक दे दो। बच्चे मैं तुझे बनाना शेक तो दे दूंगा, पर तुझे मेरी चड्डी को फेमस कराना पड़ेगा। क्या, आपकी चड्डी को? हाँ मेरी चड्डी को, मैंने यहाँ पर पहनी है पिंक चड्डी। जो भी ये वीडियो देख रहा है सबको कमेंट करना पड़ेगा पिंक चड्डी। अगर तू चाहता है ये बनाना शेक पीना तो सबसे कमेंट करवा पिंक चड्डी। अरे ये क्या कमेंट करवा रहे हो? बच्चे अगर बनाना शेक चाहिए तो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है तो गाइस ये बनाना शेक के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी अपग्रेड हो जाऊँ एक खतरनाक से वुल्फ में तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो पिंक चड्डी। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ये बनाना शेक मुझे यहाँ पर मिलने नहीं वाला, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बच्चे अभी तक सबने कमेंट नहीं किया, जल्दी करवाओ। अरे कैसर, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ये बनाना शेक मुझे कभी नहीं मिलेगा, तो जल्दी जल्दी कर दो। अंकल यहाँ पर सभी ने कमेंट कर दिया है। ओके बच्चे ये बनाना शेक तुम्हारा हुआ, चलो इसको पी लेते हैं। अब कब 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 कब। और कैसर ये क्या, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से वुल्फ में। अरे ये क्या, मैं तो वापस से वुल्फ जैसा दिखने लग गया। पहले मैंने इतना ज्यादा खाना खा लिया था कि मैं तो एक मोटा मगरमच्छ लगने लग गया था, पर अब मैं लग रहा हूँ एक खतरनाक सा वुल्फ। बच्चे ये पावर्स तो सिर्फ एक बनाना शेक की थी, सोचो अगर तुम 5-5 बनाना शेक पियोगे तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम तो दुनिया के सबसे खतरनाक वुल्फ बन जाओगे। अरे हाँ अंकल, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनना है तो मुझे बनाना शेक पीना ही पड़ेगा। क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बच्चे मैं तुम्हारी मदद करूंगा दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनने में, पर जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ वो तो सब कर ही देंगे, जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप चाहे तो ये अंकल हमारी मदद करे। बच्चे तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। इस चैलेंज में तुम जीते तो तुम्हें मिलेगा बनाना शेक। इस चैलेंज में अलग
अलग अलग व्हीकल्स यहाँ पर मिलने वाली है। इन सारी व्हीकल्स को तुम्हें मुक्का मार मार कर दूर भेजना पड़ेगा। जितनी ज्यादा व्हीकल्स भेजोगे उतने ज्यादा अपग्रेड के पास पहुंचोगे, और अगर तुमने सारे के सारे व्हीकल्स को मुक्का मार दिया तो तुम्हें मिलने वाला है बनाना शेक। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, अभी के अभी जाकर सारी गाड़ियों को पंच मार देता हूँ। ये ले, अरे ये क्या, इसको कुछ हो गया ना, ये ले। अरे कैसर, इस गाड़ी को तो मैं मार ही नहीं पा रहा, मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ। अरे बच्चे शुरू से शुरुआत करो, पहले सबसे छोटा व्हीकल, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा साइकिल को मारने, तो कैसर जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि हम इस साइकिल को नहीं छोड़ने वाले। ये क्या एक खतरनाक, मैंने इसको यहाँ पर उड़ा दिया है। तो साइकिल को तो मैंने उड़ा दिया, अब बारी इस बाइक की, इसको भी बहुत ही खतरनाक पंच मारेंगे। ये ले, और ये क्या, इस बाइक को भी हमने बढ़िया मुक्का यहाँ पर मार दिया। तो गाइस अगर आप चाहे तो मेरी पावर से यहाँ पर बढ़ती जाए, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो पावर, तभी तो मैं मार पाऊंगा एक खतरनाक सा पंच। और ये क्या, इस कार को भी हमने इतना ज्यादा दूर भेज दिया है। तो बारी आ चुकी है इस बड़ी सी व्हीकल की। ये ले, ये क्या, इस बार तो मैंने इसको उड़ा दिया, पिछली बार तो मैं इसको हिला भी नहीं पाया था, पर इस बार तो ये उड़ के पूरा का पूरा पीछे जा चुकी है। तो कैसर मैंने यहाँ पर सारी छोटी छोटी गाड़ियों की तो हालत खराब कर दी, पर अब बारी है बड़ी बड़ी गाड़ियों की, तो इसमें मेरी पावर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है, तो जल्दी कमेंट कर देना पावर। और ये ले, और कैसर आप देख सकते हो ट्रक सीधा हवा में उड़ गई, ये भी बहुत ही खतरनाक पंच हमने मार दिया। और अब बारी इस आखिरी प्लेन की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, और गाइस आप देख सकते हो इस प्लेन की तो पूरी की पूरी हालत हमने यहाँ पर खराब कर दी, पूरा प्लेन ब्लास्ट हो चुका है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक पंच था। बच्चे बहुत बढ़िया, तुमने सारी की सारी गाड़ियों को फोड़कर जीत लिया है ये बनाना शेक, इसका मतलब तुम वापस से अपग्रेड होने वाले हो। और कैसर हमें यहाँ पर वापस से बनाना शेक मिल चुका है इस खतरनाक से चैलेंज को जीतने के बाद। जल्दी जल्दी इसको पी लेते हैं। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से वुल्फ में। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर एक मोटा भद्दा, पता नहीं कौन सा अजीब एनिमल लग रहा था, पर अभी फिलहाल मैं एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ बन चुका हूँ। चड्डी की कसम बच्चे, तुम्हारे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी जल्दी अपग्रेड होना है, और मुझे पता चल चुका है तुम अपग्रेड कैसे होने वाले हो। क्या, कैसे? बच्चे क्या कभी तुमने केज फाइटिंग करी है? क्या केज फाइटिंग? नहीं मैंने तो नहीं करी। फिर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। हा, 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 हा। बच्चे तुम्हारा अगला चैलेंज यहाँ पर आ चुका है, केज फाइटिंग। इस केज में तुम्हारी लड़ाई होने वाली है, चारों तरफ से ये केज बंद होगा और तुम लड़ोगे कुछ खतरनाक एलियन से, और अगर तुमने उनको हरा दिया तो तुम जीतोगे बनाना शेक। हैला, तुम लोगों का स्वागत है केज फाइटिंग में, मेरे सारे के सारे प्लेयर्स तैयार हैं, कौन लड़ेगा मेरे प्लेयर से और जीतेगा बनाना शेक। अरे ये कौन से लोग हैं, ये तो जादू के दोस्त लग रहे हैं। और बच्चे डरो मत, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, याद रखो तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनना है। अंकल आप सही कह रहे हो, मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनना है, तो मुझे इनसे लड़ना ही पड़ेगा। जाओ बच्चे सबको हरा कर आओ, ये बनाना शेक तुम्हारा वेट करेगा। मैं लड़ूंगा इन जादू जैसे दिखने वाले एलियन से, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बच्चे सोच लो, अगर मर गए तो मैं नहीं बचाऊंगा। अरे हाँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं इन एलियंस को नहीं छोड़ूंगा। वैसे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम इससे लड़कर आएंगे। आ जाओ भाइयों और उनकी बहनों, आप सबका स्वागत है इस खतरनाक सी केज फाइट में। एक साइड पर है वेयरवुल्फ और दूसरी साइड पर है जादू के प्लेनेट के एलियन। इन दोनों में आज जो भी केज फाइट जीतेगा उसको मिलने वाला है बनाना शेक। जादू की कसम मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। धूप। 3, 2, 1 फाइट। वुल्फ के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। अरे अरे ये रुको, अरे मुझे भी तो मारने का मौका मिलना चाहिए। अरे क्या यहाँ पर भंडारा चल रहा है जो सबको खाने का मौका मिलेगा। अरे वुल्फ तू क्या कर रहा है, मार उसे मार। मुझे बचाओ, ये मेरी हालत खराब कर रहा है।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसर, ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो मुझे मारता जा रहा है। लगता है मेरी पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मुझे लगता है आप सबने अभी तक कमेंट नहीं किया पावर। अगर आप नहीं करोगे तो मैं ये फाइट कभी नहीं जीत पाऊंगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो पावर। अगर आप चाहे तो मैं इस एलियन को हरा दूं। और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही बड़ी गलती है, तभी तो मैं जीत नहीं पा रहा। जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो पावर, वरना मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। किसको बुलाया, ये तो बहुत ही कमजोर है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ पावर पावर, और मैंने नहीं छोड़ने वाला। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा पावर फील हो रही है अपने अंदर। मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। मैं इस एलियन के बच्चे को नहीं छोड़ने वाला। ये ले, इसको तो मैं खत्म कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे भाई को मार रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वुल्फ। तूने मेरे भाई को कैसे मारा? अरे ये क्या हो रहा है, हमें ये लोग कहां से आ गए? अरे मुझे छोड़ो। अरे ये कहां से आ गए? वुल्फ मार इन्हें, सबको मार दे। याद रख, तुझे बनाना शेक चाहिए। बनाना शेक मैंने नहीं छोड़ने वाला। मुझे बनाना शेक चाहिए। निकल यहां से एलियन के बच्चे, तू जादू के प्लेनेट से आया है। मैं तुझे जादू के पास ही भेजने वाला हूँ। ये ले, निकल यहां से। इन सबको मैं खत्म कर दूंगा। ये लो। तो गाइज़र, मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों एलियंस को खत्म कर दिया है। मेरी पावर्स तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और गाइज़र, इसी के साथ मुझे यहाँ पर बनाना शेक भी मिल चुका है। इसको फटाफट से पी लेते हैं। अब कब। और गाइज़र, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से वेयर वुल्फ में। ये वुल्फ कितना ज्यादा खतरनाक है, अब लग रहा हूँ एकदम खतरनाक वुल्फ। बहुत बढ़िया वुल्फ, तुम धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रहे हो, पर क्या तुम्हें फास्ट अपग्रेड होना है? हाँ, मुझे फास्ट अपग्रेड होना है। अगर तुम्हें फास्ट अपग्रेड होना है तो तुम्हें चाहिए होगा गॉडज़िला का अंडा। उसके साथ बनाना शेक मिलाने से तुम हो जाओगे बहुत ही जल्दी जल्दी अपग्रेड। तो जाओ और जाकर गॉडज़िला का एग ढूंढो और उसके साथ बनाना शेक को मिलाओ। ओके सर। तो गाइज़र, अभी आप देख सकते हो अंकल ने मुझे बता दिया अगर मुझे फास्ट अपग्रेड होना है तो मुझे क्या करना है। मुझे चाहिए होगा गॉडज़िला का अंडा और उसके साथ बनाना शेक को मिक्स करेंगे और फिर तो मैं बहुत ही खतरनाक वुल्फ में अपग्रेड होने वाला हूँ। तो कैसा, अभी आप देख सकते हो हम लोग निकल चुके हैं गॉडज़िला का एग ढूंढने के लिए। मुझे पता चला है कि इधर ही कहीं पहाड़ों में वो मिलने वाला है, पर ये पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा बड़े, कहां मिलेगा समझ नहीं आ रहा। यहां पर कोई है भी नहीं, किससे पूछूं गॉडज़िला का एग कहां है? गॉडज़िला के अंडे कहां पर है तू? और ये क्या, वहां पर तो एक शेर जा रहा है। रुक जा, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। वैसे तो मैं शेर से डरता था, पर अब मैं इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ कि शेर से क्या डरना। शेर मामा, मुझे बताओ कि गॉडज़िला का अंडा कहाँ मिलेगा? म्याऊ, गॉडज़िला का अंडा तुम्हें ऊपर जाकर मिलेगा। ओके शेर मामा, थैंक यू। तो गाइज़र, अभी आप देख सकते हो शेर मामा ने मुझे बता दिया कि गॉडज़िला का अंडा कहाँ मिलेगा। तो फटाफट से चलते हैं और उस अंडे के पास चलते हैं। कहाँ है अंडा? घासों में तो नहीं, मिट्टी में तो नहीं, कहाँ है अंडा? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं तो माउंटेन के टॉप पर आ चुका हूँ। अंडा, ये क्या, पूरा अंडा। और एक गाइज़र, आप देख सकते हो सामने मुझे अंडा दिख चुका है। क्या ही खतरनाक लग रहा है वो। मिल गया, आ रहा हूँ मैं मेरे अंडे। आखिरकार इतनी देर की मेहनत हमारी यहाँ पर सफल हो चुकी है, मुझे वो अंडा मिल चुका है। ये इस अंडे को मस्त तेल में फ्राई करूंगा बनाना के साथ और हमें मिलेगा खतरनाक बनाना मिल्कशेक। उसको खाने से मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। आ रहा हूँ मैं मेरे प्यारे अंडे। ए वुल्फ, तुझे क्या लगता है क्या कर रहा है तू? ये गॉडज़िला यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे अंडे के गलती से भी बास मत आना, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सॉरी, मैं जा रहा हूँ, मैं आपका कुछ नहीं करूंगा, अंडा मुझे नहीं चाहिए। अरे कैसर, ये क्या हो गया, ये गॉडज़िला का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? अब मैं ये अंडा कैसे चुराऊंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे अपग्रेड होऊंगा? अरे कैसर, मैं हार तो नहीं मान सकता, मुझे कैसे भी करके वो अंडा तो खाना ही पड़ेगा। वो खतरनाक सा गॉडज़िला का अंडा मैं खा कर रहूंगा और उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है। मैं यहाँ पर फोन करने वाला हूँ मिलिट्री वालों को
उनको बोलूंगा कि ये गॉडज़िला पागल हो चुका है और यहाँ पर ये सबको मार रहा है और मिलिट्री वाले आकर इसको पकड़ लेंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? जनरल राठौड़ स्पीकिंग। सर 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 मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक खतरनाक से गॉडज़िला ने अटैक कर दिया है, वो पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर देगा, बचा लो हमें। क्या गॉडज़िला ने अटैक किया है? तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी की पूरी फोर्स के साथ आ रहा हूँ, बस मुझे एड्रेस भेजो। हाँ सर, मैं एड्रेस भेजता हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब आने वाला है मजा, इस गॉडज़िला की तो ऐसी की तैसी होने वाली है। मैं साइड पर जाकर छुप जाता हूँ, वो मिलिट्री वाले इसको नहीं छोड़ने वाले। बॉयज अटेंशन, हमारे लॉस सैंटोस में गॉडज़िला का अटैक हो चुका है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। सारे के सारे वेपन्स ले लो, पैंजर टैंक जो मिले सब का सब निकालो, हमें उस गॉडज़िला को रोकना पड़ेगा, समझे? यस सर। यस सर। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये मिलिट्री वाले अभी तक आए क्यों नहीं? अरे ये गॉडज़िला का अंडा मुझे चाहिए, कब आएंगे मिलिट्री वाले? बॉयज अटैक, वो रहा हमारा सामने टारगेट, गॉडज़िला को मत छोड़ना, अटैक। और गाइजर ये क्या, यहाँ पर तो मिलिट्री वाले आ चुके हैं। मुझसे दूर रहो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये मिलिट्री वाले मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, ये लो। अरे गाइजर ये गॉडज़िला तो बहुत खतरनाक है, ये तो मिलिट्री वालों की हालत खराब कर रहा है। बॉयज रुकना मत, इसे मारते रहो मारते रहो। हट जाओ यहाँ से, सबको खत्म कर दूंगा, हट जाओ। अरे गाइजर ये गॉडज़िला तो पूरा का पूरा पागल हो चुका है, हर एक मिलिट्री वाले को मारे जा रहा है। मैंने सोचा था मिलिट्री वाले इसको आराम से रोक देंगे, पर इस गॉडज़िला ने तो सबकी हालत यहाँ पर खराब कर दी। पर गाइजर अभी अपने अंडे को छोड़कर दूर जा चुका है, तो गॉडज़िला को मारने का प्लान तो काम नहीं किया, पर गॉडज़िला से दूर जा चुका है, मतलब ये अंडा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये अंडा मेड़ से भी बड़ा है, ये कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इसके साथ हमें मिलाना है बनाना शेक और उसके बाद हम लोग अपग्रेड होने वाले हैं एक खतरनाक से वुल्फ में। तो इसको फटाफट से लेकर चलते बनाना शेक के साथ मिलाते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, मुझे यहाँ पर गॉडज़िला का अंडा भी मिल चुका है। चड्डी की कसम बच्चे, तुम तो बहुत ही खतरनाक निकले, मैंने नहीं सोचा था तुम ये अंडा यहाँ पर लेकर आ पाओगे। अरे थैंक यू अंकल, अब जल्दी जल्दी इन दोनों को मिला दो। अभी करता हूँ बच्चे, इन दोनों को मिलाकर एक जादुई मैजिक बनाना शेक मिलेगा, उसको पीने से तुम अपग्रेड होने वाले हो एक खतरनाक से वुल्फ में। और गाइज़र आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मैजिक पोशन तैयार हो चुका है, फटाफट से इसको पी लेते हैं। अब कम 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 अपग्रेड। और गाइज़र आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से वुल्फ में। ये वुल्फ तो अभी तक का सबसे खतरनाक वुल्फ है, मेरे दांत देखो, मेरी बॉडी देखो, मैं कितना ज्यादा खतरनाक यहाँ पर हो चुका हूँ, ये वुल्फ तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो गाइज़र ये वुल्फ बहुत ही बढ़िया है, पर गाइज़र अभी भी ये वुल्फ दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ नहीं है। मैंने आपको बोला था कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनकर रहूंगा, तभी मैं लेडी वुल्फ से शादी करूंगा। तो गाइज़र अभी मैं एक खतरनाक से वुल्फ में तो अपग्रेड हो चुका हूँ, पर मेरे पास टाइम बहुत ही कम है और मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनना है। तो इसलिए हम लोग आ चुके अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर, ये ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड हमारी मदद करने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनने में। तो फटाफट से इसको यूज करेंगे, बनाएंगे एक खतरनाक सा वुल्फ जो कि रियल लाइफ में आएगा और फिर हमारी शादी होने वाली है। इतनी देर से मुझे जिस चीज का वेट था वो आखिरकार होने वाली है। फटाफट से ड्रॉ करते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ। तो गाइज़र अभी आप देख सकते हो हम लोग इस खतरनाक से ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर आ गए और गाइज़र इस मैजिक बोर्ड पर हमें बनाना एक ऐसा खतरनाक वुल्फ जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ हो। तो दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक बहुत ही ज्यादा जायंट वुल्फ होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वुल्फ की मुंडी बना देते, दो कान उसको दे देंगे, हम उसकी बाकी की बॉडी बनाएंगे। तो गाइज़र ये वुल्फ सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है क्यों ये इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो गाइज़र सारे के सारे नॉर्मल वुल्फ्स का सिर्फ एक ही मुंडी होती है, पर इस वाले वुल्फ की, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ है, तो इसकी हम दो मुंडी बनाने वाले हैं। तो गाइज़र ये दूसरी मुंडी पे भी सींग लगाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि दो मुंडी कैसी होती है, क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब लगेगी, इसलिए इसके साथ हम तीसरी मुंडी भी देने वाले, तीन तीन मुंडी वाला खतरनाक सा वेयर वुल्फ ये बनने वाला है। फटाफट से इसको यहाँ पर बना देंगे, वन
1, 2, 3, 4 डन। तो आप देख सकते हो तीनों की तीनों मुंडिया यहाँ पर बन चुकी है। अब इसकी बाकी की बॉडी बनाते हैं। और गाइस ये नॉर्मल वुल्फ की तरह नहीं होने वाला है, ये वुल्फ दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ वाला होने वाला है। मैंने आपको एक बार बता दिया है और ये बन कर रहेगा। तो फटाफट से इसकी बाकी की चीजें बना दी जाए। यहाँ पर इसका पैर बनाएंगे। जब ये पूरा कम्प्लीट होगा तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। अब इसके यहाँ पर पैर बन चुके हैं, अभी यहाँ पर दे देंगे और इसके बड़े बड़े नाखून हम देने वाले, क्योंकि आपको तो पता है वुल्फ के कितने खतरनाक नाखून होते हैं। तो यहाँ पर अपन इनको नाखून दे देंगे। वाओ वाओ कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो फटाफट से इधर इनको नाखून दे देते हैं। 3, 2, 1 डन। तो गाइस आप देख सकते हो दो पैर यहाँ पर बन चुके हैं। अब ये वुल्फ के चार पैर होने वाले, तो यहाँ पर अभी अपन तीसरा पैर भी यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि पीछे की साइड होने वाला, रुक जाओ, पीछे की साइड होता है तो मुझे लगता है इधर से बनाना चाहिए। मैं इसकी बॉडी यहाँ से ला देता हूँ ताकि और भी ज्यादा बढ़िया लगे। तो यहाँ पर इसकी बाकी की बॉडी बना देंगे। यहाँ पर इसका एक और खतरनाक सा पैर बना देते हैं, तो ये भी बढ़िया सा पैर हो जाएगा। ये वुल्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनने वाला है। तो जल्दी जल्दी जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइस ये तो हमारा वुल्फ की बॉडी बन गई। अब यहाँ से हम इसकी बड़ी सी पूंछ निकालने वाले हैं, जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। खतरनाक इसलिए होगी क्योंकि इस वाली पूंछ के अंदर कांटे कांटे होने वाले। तो यहाँ पर अपन बहुत सारे कांटे दे देंगे। इस साइड भी सेम टू सेम बहुत सारे कांटे मिलने वाले हैं और हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे एक खतरनाक सी कांटे वाली पूंछ में। तो ये वुल्फ तो बहुत ही खतरनाक बनने वाला है, एक बार इसको बस कंप्लीट होने दो। तो गाइस यहाँ पर भी हम एक बढ़िया सा कांटा इसके लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक लगेगा। अब इसके फटाफट से फेस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इसके यहाँ पर एक आंख बनाएंगे, जैसे नॉर्मल इंसान की आंख होती है वैसी बनने वाली है, पर इसकी नाक एकदम कुत्ते वाली, एकदम वुल्फ वाली बनने वाली है। तो यहाँ पर हमने नाक लगा दी। अब इसका मुंह तो हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाने वाले हैं, क्योंकि मुंह के अंदर होंगे तिकोने तिकोने दांत और ये लाल लाल जीभ। तो यहाँ पर फटाफट से डन कर दिया। सेम टू सेम इस वाली मुंडी में भी जरूरी है। तो यहाँ पर हम वापस से नाक दे देंगे। यहाँ पर बड़ी नाक बनने वाली है, ये बन गई नाक और ये डन। और यहाँ पर बड़ा सा मुंह भी अपन दे देंगे। तो यहाँ पर इसको दांत दे देते हैं 1, 2, 3 और इस वाले में हम इसमें पूरा का पूरा दांत ऐड करने वाले। तो गाइस ये वुल्फ तो सही में बहुत ही खतरनाक लगने लग चुका है। जब हम इसके अंदर कलर करेंगे तो ये और भी ज्यादा खतरनाक लगेगा। तो फटाफट से यहाँ पर कर देते हैं डन ऐसे और इसको यहाँ पर अपन दांत दे देंगे और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो ये वुल्फ मुझे तो बहुत ही खतरनाक लगने लग चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा कलर कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं ग्रे कलर, क्योंकि ये पूरा का पूरा वुल्फ लगभग ग्रे कलर का ही होने वाला है। इसकी पूंछ भी कर देंगे यहाँ पर ग्रे, इसका फेस भी यहाँ पर ग्रे करने वाले, उसके बाद ब्लैक कलर लेके इसकी नाक के अंदर करने वाले। तो यहाँ पर अपन कर देंगे लाल कलर, ब्लैक कलर, उसके बाद येलो कलर लेके इसकी आंखों में येलो कलर की आंखें और लाल कलर का इसका पूरा दांत होने वाले। तो यहाँ पर अपन लाल 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 एकदम सारे के सारे दांत लाल अपन यहाँ पर करने वाले हैं डन डन। तो गाइस आप देख सकते हो सारे के सारे दांत यहाँ पर लाल हो चुके हैं। अब उसके बाद इसके सींगों में कलर करने की, जो इसके कान होते हैं, तो यहाँ पर कानों में हम कर देंगे काला कलर और साथ में यहाँ पर जो स्पाइक्स है ना उनमें भी हम काला कलर करने वाले, तो ताकि ये लगे और भी ज्यादा खतरनाक। तो फटाफट से सारा का सारा काला कर देंगे और ये डन। उसके बाद हम यहाँ पर भी ब्लैक कलर करने वाले और इसके जो नाखून है उनमें करने वाले लाल कलर। तो ये वुल्फ तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लग चुका है, इसको बस हम रियल लाइफ में लाने वाले। आप देख सकते हो ये वेयरवुल्फ कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसका हम नाम रखेंगे वेयर कुत्ता, क्योंकि वुल्फ यार अच्छा नहीं लगता, वेयर कुत्ता ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं। उससे पहले हम इसकी थोड़ी साइज बढ़ाने वाले हैं, वरना ये नॉर्मल वुल्फ की तरह बन जाएगा, एकदम कुत्ता लगेगा। पर हम यहाँ पे लिखेंगे साइज into 1000 10000। अब इसको फटाफट से रियल लाइफ में लाते हैं और देखते हैं कैसा लगने वाला है ये। और गाइस अभी आप देख सकते हो ये ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हमारा खतरनाक सा वुल्फ यहाँ पर आ चुका है। तीन तीन मुंडी का ये खतरनाक सा वुल्फ है, ये कितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इसकी पूंछ देखो जैसी मैंने बनाई थी बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आ चुकी है। अब फटाफट से चलते हैं क्योंकि गाइस अब मेरी शादी होने वाली है, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनना है और मैं यहाँ पर बन भी चुका हूँ। तो फटाफट से चलते हैं, आखिरकार मेरी शादी होने वाली है। जल्दी जल्दी हैप्पी मैरिड लाइफ फ्रैंकलिन लिख दो और हैप्पी मैरिज कांग्रेचुलेशन फॉर मैरिज जो भी लिखना है सबका सब लिख देना, मजा आने वाला है। लेडी वुल्फ मैं आ गया तुमसे शादी करने, तुमने मुझे बोला था दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ बनने के लिए और अभी मैं यहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल और खतरनाक वुल्फ बन चुका हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया। वाह वुल्फ तुम तो सही में बहुत ही
हमारी शादी होने वाली है। हाँ वुल्फ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। अरे ऐसे कैसे, ये तो चीटिंग है, ये इतना खतरनाक कैसे हो गया। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। क्या बोला, तुम मुझे मारेगा? मैंने सोचा तो नहीं था ये मुझे करना पड़ेगा, पर मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। यार निकल यहाँ से। अरे मुझे बचाओ। और गाइजर, अभी हमने उस कुत्ते को जो अजीब सा दिखने वाला था कब से परेशान कर रहा था। पहले उसने मेरी शादी कैंसिल करवाई, पर अभी फिलहाल हमने उसको यहाँ से बाहर फेंक दिया। और गाइजर, लेडी वुल्फ के साथ शादी हमारी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। हाँ, सेम टू सेम। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ यहाँ पर बन चुका हूँ और मेरी शादी भी होने वाली है। अगर आपको देखनी है वुल्फ और लेडी वुल्फ की शादी तो कमेंट करो पार्ट टू। जब तक गाइजर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे जाना फॉलो कर लो, वहां पर बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइजर, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।